मेरे प्यारे दोस्तों आदाब अरस आप कैसे हैं ठीक है ना अच्छा ग्यारहवीं जमात की उर्दू ऑनलाइन क्लास में आप सबका खैर मुकदम दोस्तों खुदा का शुक्रगुजार गुज़ार हूँ कि एक बार भी आप लोगों को सामने मिलने का मौका मिल गया है अज़ीज़ दोस्तों ये तो बताइए कि पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था और किसके बारे में पढ़ा था अच्छा सहादत असन मंडू का अफसाना अज़ीज़ दोस्तों ये तो बताइए कि पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था और किसके बारे में पढ़ा था अच्छा सहादत हसन मंडू का अफसाना टोबा टैक्सिंग के बारे में जी ये अफसाना कई पागलों से मुश्तमिल है उनमें पांच पागलों के बारे में चर्चा किया था बाकी तीन पागलों के बारे में हमको बात करेंगे उम्मीद रखता हूँ कि पिछले क्लास में आप लोगों के लिए एक आसान सरगर्मी दे रहा था वो अच्छी तरह लिख कर अपने उस्ताद को दिखाए होंगे दोस्तों पिछले क्लास में पांच हालात से पढ़े हुए पागलों को तारफ़ किया था यानी पांच सिटेशन के पागलों के बारे में बात किए थे कौन कौन है वो हाँ एक ज़मींदार अखबार पढ़ने वाला मुसलमान पागल दो एक सिख पागल वाला तीन दरख्त पर चढ़कर तकरीर करने वाला पागल चार एक मुसलमान इंजीनियर जिसने तमाम कपड़े उतारकर दफादार के हवाले कर दिए पाँच लाहौर का नौजवान हिंदू वकील जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था मेरे अज़ीज़ तलबा अब हमें बाकी तीन हयात के यानी तीन सिटेशन के पागलों के बारे में पढ़ेंगे पोर्ट पर देखिए दो एंग्लो इंडियन पागल थे जिसको यूरोपियन वार्ड में रखा था उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज़ चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ वो सोचते थे कि पागल वालों का तबादला के बाद अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी हमको वहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह मिला करेगा या नहीं देखो तफसील के साथ दो एंग्लो इंडियन पागल थे इसका मतलब दो एंग्लो इंडियन पागल थे जिसको यूरोपियन वार्ड में जिसको यूरोपियन वार्ड में रखा था मतलब यह है कि पागल खाना में कई वार्ड है इसमें यूरोपियन वार्ड सेपरेट किया था उसमें है एंग्लो इंडियन पागल वाले उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज़ चले गए हैं तो हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज़ चले गए तो उनको बहुत सदमा हुआ उनको बहुत दुख हुआ वो सोचते थे उनका ख्याल था कि पागल वालों का तबादला पागल वालों का एक्सचेंज के बाद अब उनकी हैसियत उनकी स्टेटस किस किस्म की होगी कैसी होगी हमको वहाँ से ब्रेकफास्ट हमको वहाँ से ब्रेकफास्ट वग़ैरह मतलब है खाना पीना मिला करेगा या नहीं यानी एंग्लो इंडियन को उनका खाना तो एक दूसरी स्टाइल पर थी इसलिए वो मिलेगा या नहीं दोस्तों अगला पागल के बारे में हमको देखें और पढ़ें सुनिए ये एक सिख पागल था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए पंद्रह बरस हो चुके थे हर वक्त उनकी ज़बान से अजीब और गरीब अलफा सुनते थे जैसे ओपड़ दी गडगड़ दी हैक्स दी बेध्याण दी मंग दी दाला ऑफ दी लालटेम तफसील के साथ देखो बिशन सिंह यहाँ का मरकज़ी किरदार भी है बिशन सिंह ये एक सिख पागल था हमारे पागल खाना में मुसलमानों का पागल था और हिंदुओं का पागल था और दूसरे मज़हब के पागल थे ये तो सिख पागल था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए जब वो पागल खाने में दाखिल हुए पंद्रह बरस हो चुके थे पंद्रह बरस हो चुके थे हर वक्त उनकी ज़बान से अजीब और गरीब अल्फाज सुनते थे जैसे ओपड़ दी गडगड दी इनक्स दी बेध्याना दी मंग दी दाल दी लाल टेम मतलब ये है कि उसको बेमाना अल्फा से पूरा वो गालियाँ देती है ऐसा है बाकी देखिए दफादारों के राय के मुताबिक यही बिशन सिंह पंद्रह साल तक दिन और रात न सोता था लेटा भी नहीं था मगर कभी कभी बेमाना अल्फाज और गालियाँ देती थी अभी वो पूछते हैं कि टोबा टेक्सिंग कहाँ हैं जहाँ का वो रहने वाला है लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में इस सिख पागल बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे जिसके बाद उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी मगर आदमी बेजर था तफसील के साथ सुनिए दफ़ादारों के राय के मुताबिक यही बिशन सिंह यही हमारी मरकज़ी किरदार पंद्रह साल तक फिफ्टीन साल तक दिन और रात न सोता था दिन और रात न सोता था राहु पगलू अदेहम उ लेटा भी नहीं था अद्हम वे कड़कू चाह मगर कभी कभी बेमाना अल्फास और गालियां देती थी बेमाना अल्फास और गालियां देती थी कभी कभी अभी वो पूछते हैं वो सो पूछते हैं कि टोबा टैक्सिंग कहाँ है टोबा टैक्सिंग कहाँ है उनका दिल में टोबा टैक्सिंग एक जगह है यहाँ का वो रहने वाला है वो वहां का रहने वाला है लेकिन किसी को मालूम नहीं था यानी किसी को पता नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में यानी टोबा टैक्सिंग पाकिस्तान में है हिंदुस्तान में है वो कोई या किसी को मालूम नहीं था इस सिख पागल बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे बहुत कम नहाता था അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ കുളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇസിലി ദാഡി ഓർ സർക്കെ ബാൽ ദാഡി ഓർ സർക്കെ ബാൽ ആപ്പസ്മെ ജം ഗേത്തെ പരസ്പരം ജടകുത്തിയിരുന്നു ജിസ് കെ ബാസ് ഉസ്കി ഷക്കിൽ ജിസ് കെ ബാസ് ഉസ്കി ഷക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപം ആകൃതി തൻ തസ്വീർ ബഡീ ഭയാനക ഹോ ഗൈ തീ ബഡി ഭയാനകൊ ഗെയ്യി मगर आत्मी बेजर था पशे अत्र शल्यकार कहा जाता है कि टोबा टेक्सिंग में उसकी कई ज़मीनें थीं अचानक खाता पीता ज़मींदार था अच्छा खाता पीता ज़मींदार था कि अचानक दिमाग उल्ट हो गया अचानक दिमाग उल्ट गया कहा जाता है कि टोबा टेक्सिंग में उसकी कई ज़मीनें थीं यानी टोबा सिंह के मकान में यही मकाम में इनको बहुत ज़मीन थी अच्छा काता पीता ज़मींदार था अच्छा काता पीता ज़मींदार था जनमी आई रुनो अचानक दिमाग उल्ट हो गया अचानक दिमाग खराब हो गया बाकी देखो हर महीना जब उसके अजीज़ और अकारीब उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था चुनाचा वो दफादार से कहता है कि उसकी मुलाकात आ रही है इस दिन वो अच्छी तरह नहाता बदन पर साबुन घुसता और सर में तेल लगाकर गंगा घंगा करता देखो हर महीना जब उसके अजीज व अकारीब अजीज वकारीब दोस्त और परिवार खानदान उससे मिलने के लिए आते थे उनको देखने के लिए उनको जियारत करने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था आ विवरम अद्हतिन एंगने किट्टुमायरुनों चुनान वो दफादार से कहता है इस वक्त वो दफादार से कहता है यानी वार्डन से जेल के वार्डन से कहते थे पागल खाना के दफ़ादार से कहते थे क्या कहते थे कि उसकी मुलाकात आ रही है मेरे देखने के लिए मेरे खानदान मेरे दोस्त आ रही हैं ऐसा बताया था इस दिन वो अच्छी तरह नहाता जब वो देखने के लिए आए थे उस दिन वो अच्छी तरह नहाता नाई वृतिया अंकुड़ी बदन पर साबुन घुसता अच्छी तरह सोप के साथ घुसता वो अच्छी तरह नहाता है और सर में तेल लगा कर गंगा करता तली हम मुडी चीमायर दोस्तों अगला पागल के बारे में हमको एक बार बात करेंगे आप अच्छी तरह बोर्ड पर देखिए और समझिए पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता है पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो ख़ुद को खुदा करता था उससे जब एक रोज़ बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टैक्सिंग पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में तो उसने जवाब दिया कि वो पाकिस्तान में है नहीं हिंदुस्तान में इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया देखो तफसील के साथ पढ़ें पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था एक पागल ऐसा भी था यहाँ पे जो खुद को खुदा करता है वो क्या करता है मैं खुदा हूँ मैं खुदा हूँ मुझे बहुत बंदा है ऐसा बताया उससे जब एक रोस उससे यही पागल से यानी खुदा से एक रोस बिशन सिंह ने पूछा कि क्या पूछा टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में आप खुदा हैं इसलिए बताइए मुझे टोबा टैक्सिंग पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में तो उसने जवाब दिया यानी खुदा जवाब दिया या हम खुदा कौन है पागल उसने जवाब दिया कि वो पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में अद पाकिस्तान लाणो इंडिया लाणो एन इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया यानी इधर अद्च औरडर को मतलब ये है कि और बाकी देखो उसका ये जवाब सुनकर बिशन सिंह बहुत बेमाना और गालियाम अल्फाज देती थी शायद उसका मतलब ये था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी बात सुनते अलगरस बिशन सिंह को टोबा टैक्सिंग के बारे में अभी तक एक हकीकी जानकारी न मिली देखिए उसका ये जवाब सुनकर यानी खुदा का जवाब सुनकर बिशन सिंह बहुत बेमाना और गालियाम अल्फाज देती थी अद्हम दे पल तेरह पर शायद उसका मतलब ये था पक्षे इदेह उद्देश्य के तुम मुसलमान के खुदा हो सिखों के खुदा होते तो ജറൂർ മേരി ബാത് സുനിത്തെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവമായിരിക്കാം സിഖുകാരുടെ ദൈവമായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്നോട് ആ സ്ഥലം പറയുമായിരുന്നു അൽ കറസ് ബിഷൻ സിംഗ് കോക്സിങ് കെ ഭാരേമേ അബീതക് എ കെ ഹക്കീ കി ജാൻകാരി നമീലി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബിഷൻ സിംഗ് കോക്സിങ് കെ ബാരേമേം അത് സംബന്ധിച്ച് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ച് അബീതക് എ കെ ഹക്കീക്കി ജാൻകാരി ഒറിജിനൽ इन्फ़र्मेशन न मिली इसके दौरान हिंदू और सिख पागलों को हिंदुस्तान में और मुसलमान पागलों को पाकिस्तान में तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें पहुंच गई थी और तबादले का दिन मुकर हो चुका था देखिए इसके दौरान സിഖ പാഗലോ കോ ഹൂ ഓരോ സിഖ പാഗലോ കോ ഹുസ്ഥാന മേ ഹീലേക്കും ഓരമാൻ പാഗലോ കോ പാകിസ്ഥാന മേ മുസ്ലിംകളായ മനോരോഗികളെ പാകിസ്ഥാനിലേക്കും തബാദലേ കയറിയാ മകമ്മൾ ഹു തീ തബാദി കയറിയാ എക്സ്ചേഞ്ജി തയ്യാ മകമ്മൾ ഹു തിറ്റ് ആയി ഇധ്യ ഓരോരെയ പാഗലോ കി ഫ परस्परम इंडिया ने ले पाकिस्तान लेकूम पोगेंडवरुडे फ़हरिस्ते पट्टिका पहुंच गई थी तैयार हो गई थी और तबादले का दिन एक्सचेंज करने का दिन मुकर हो चुका था बड़ी बड़ी लारियाम उनके लिए तैयार हैं पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ महंगा जा रहा है इसलिए चंद पागल वाले पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारे लगा रहे थे देखिए बड़ी बड़ी लारियाम यानी बड़ी बड़ी लोरी उनके लिए तैयार है उनके लिए रेडी है पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं था पागलों की अक्सरत ज़्यादा पागलों को ये एक्सचेंज के हक के बारे में कोई मालूम नहीं है इसलिए उनकी समझ में नहीं आता उनकी समझ में नहीं आता था, था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ बेंगा जा रहा है जंगल इंक्र स्थल मतरी पिुदरियन अल्दी इसलिए चंद पागल वाले पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारे लगा रहे थे इसलिए चंद पागल वाले पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान के लिए ज़िंदाबाद बुलाया और पाकिस्तान को मुर्दाबाद बुलाने वाला भी इधर था और अगला पैराग्राफ देखिए जब बिशन सिंह की बारी आई तो वाघा के इस बार का अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा तो उसने पूछा टोबा टैक्सिंग कहाँ हैं पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में का अफसर हंसता और कहा पाकिस्तान में ये सुनकर बिशन सिंह उछल कर एक तरफ हटा और दौड़ कर अपने बाकी साथियों के पास पहुंच गया उसने चलने से इनकार कर दिया और ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगा कि टोबा टैक्सिंग यहाँ है उसे बहुत समझाया गया कि अब टोबा टैक्सिंग हिंदुस्तान में चला गया है मगर वो न माना ज़बरदस्ती से दूसरी तरफ़ ले जाने की कोशिश की गई तो वो दरमिया में एक जगह इस अंदाज़ में अपनी सूजी हुई टांगों पर गड़ा हो गया बिलाखिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जिसका कोई नाम नहीं था टोबा टेग सिंह पड़ा था देखिए जब बिशन सिंह की बारी आई तो बिशन सिंह की अवसर आई तो बाघा के इस पार बाघा यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ हम अफसर अवसर आदमाई ऑफिसर मार उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा तो रजिस्टर में लिखना शुरू किया तो उसने पूछा विशन सिंह ने पूछा टोबा टैक्सिंग कहाँ है पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में वो कहाँ है पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में ऐसे पूछा मुतल अफसन हंसता ये सुनते वक्त अफसर वाले हंसता और कहा उनसे कहा पाकिस्तान में वो मुफ्त कहा पाकिस्तान में ये सुनकर बिशन सिंह उछल कर एक तरफ हटा एक तरफ हटा और दौड़ कर अपने बाकी साथियों के पास पहुंच गया बाकी साथियों के पास पहुंच गया उसने चलने से इनकार कर दिया वो चलने के लिए नहीं किया वो हिंदुस्तान जाना है मगर हिंदुस्तान जाने के लिए इनकार कर दिया और ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगा वो ज़ोर ज़ोर बहुत आवाज़ से चिल्लाने लगा कि टोबा टैक्सिंग यहाँ है उनकी ख्याल में टोबा टैक्सिंग इधर है यहाँ है उसे बहुत समझाया गया बाकी लोग अफसर लोग मुतल अफसर वाले से बहुत समझाया गया कि अब टोबा टैक्सिंग हिंदुस्तान में चला गया है मगर वो न माना उनके ख्याल में वो पाकिस्तान में है ज़बरदस्ती से दूसरी तरफ़ ले जाने की कोशिश की गई तो अफसर वाले और दफ़ादार ज़बरदस्ती से दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की तो वो दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सोजी हुई टांगों पर उनका टांग उनका पायर बहुत बड़ा पायर है वो पायर पर घड़ा हो गया और बिलाखिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर यानी के बिलाखिर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जिसका कोई नाम नहीं था टोबा टे सिंह पड़ा था अवसानम पाकिस्तान टीम इंडिया बॉर्डर अदा इन पेर वे पेरात और स्थलत आ टोबा टैक्सी वीण कड़कय अलस पागलों के दिलो दिमाग में कौमियत सियासत मजहब ज़ात और सरहद वगैरह के बारे में सोचने की बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों अब हम हमारे सबक के आखिर में ग्रामर का एक छोटा सा हिस्सा बाकी है वो यह है कि वाहिद और जमा यानी सिंगुलर और प्लूरल एक इसम हो तो उसे वाहिद, यानी सिंगुलर और एक से जाहद हो तो जमा भी यानी प्लूरल भी कहते हैं जैसे लड़का और लड़के उसी तरह बकरा और बकरे प्यारे दोस्तों दो सरगर्मियाँ आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ वो अच्छी तरह करके अपने उस्ताद को दिखाइए सरगर्मियाँ। एक टोबा टेसिंग में बिशन सिंह का किरदार तकसीम हिंद के शहीदों की एक जिंदा तस्वीर है उन पर एक मुख्तर नोट लिखिए दूसरा सरगर्मी नीचे दिए गए अल्फाज से वाहिद और जमा अलग अलग ख़ानों में लिखिए औरतम पागल दरख्त कपड़े रिया अज़ीज़ दोस्तों अब हमें क्लास ख़त्म करेंगे एक नए सब के साथ फिर मिलेंगे वहां तक अलविदा शुक्रिया खुदा हाफिज।